गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेसन नंबर 12 रनिंग। इसके कुछ पार्ट देखें, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, सही जोड़ मिलाइए, पर्यायवाची, विरुद्धार्थी, सब समूह। हम रोजाना हर एक लेसन के इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस रिवीजन करा रहे हैं। आज लेसन नंबर 12 रनिंग का हम देखेंगे। प्रश्न के साथ दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 1. रानी के साइज का नाम क्या था? आंसर लिखेंगे छुट्टन। रामा ने घोड़ी का क्या नाम बताया? आंसर लिखेंगे ताज रानी। 3. रानी के लिए बरामदा क्या बन गया था? आंसर लिखेंगे अस्तबल। माधवी रानी पर कब बैठती थी? तीसरे पहर। आंसर लिखेंगे बच्चे रानी की पीठ पर ऐसे बैठते थे मानो डैश। आंसर होगा मयूर सिंहासन पर आसीन हो। जन्मदिन पर नानी ने क्या भेजा? आंसर होगा सोने के कड़े। विकल्पों से सही जोड़ मिलाइए। बच्चे रानी के प्रति सदैव हो गए क्योंकि डैश। इसका आंसर होगा उन्होंने कई कहानियों में रानी के सुख दुख के बारे में सुना। नेक्स्ट, पैरों पर संटी मारने से रानी भागने लगी क्योंकि आंसर लिखेंगे उसका उसके स्वाभिमान को चोट पहुंची थी। नेक्स्ट देखें, एक प्रकार से नंबर 3 इसका, अपनी पीठ पर से महादेवी के गिरने पर रानी ऐसे निश्चल खड़ी हो गई जैसे डैश वो पश्चाताप की प्रतिमा हो। नेक्स्ट, महादेवी का भाई चाकू ले आया क्योंकि डैश रानी का पेट चीरकर उसमें शिशु निकालना था। इसका आंसर होगा पर्यायवाची सब लिखिए, जिज्ञासा उत्सुकता, आतंकित भयभीत, रोष क्रोध, अराजकता अव्यवस्था, आरूढ़ सवार, आहत घायल, फिर विस्मित चकित। विरुद्धार्थी सब लिखिए, अपराधी निरपराधी, दंड पुरस्कार, प्रसन्नता अप्रसन्नता। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखें, सदय निर्दय, प्रत्यक्ष परोच, स्मृति विस्मृति, आरंभ अंत। सब समूह के लिए सब लिखिए, ज्ञान में वृद्धि होना ज्ञानवर्धक, बच्चे सरलता से कर सकें ऐसी प्रवृत्तियाँ बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ। इसका आंसर होगा घोड़े पर सवार की जाने वाली सवारी। आंसर होगा घुड़सवारी। घोड़ों का आवास अस्तबल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। स्थान से छूटा हुआ विस्थापित, जानने की इच्छा जिज्ञासा, घोड़े की मालिश और खाने पीने की देखभाल करने वाला साइज। आंसर होगा जो दिखाई न दे अदृश्य, आंखों के सामने प्रत्यक्ष, सिंह की आसृति वाला आसन सिंहासन। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार के क्वेश्चन हम रोजाना आपको दे रहे हैं, घर पे इसको ध्यान देना है क्योंकि 30% जो है ऑप्शन इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और ये हमारे रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं। और कोई परेशानी हो तो मेरा संपर्क करेंगे। थैंक यू।